हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज बनाने जा रही हूँ नए डिजाइन का डोरमेट। तो इसके लिए मैंने 2 कलर का ऊन ले लिया है और 9 नंबर की सिलाई ले ली है। आप चाहें तो साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, ऊन से भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं। 9 फंदे मैं इस कलर से डाली हूँ और 9 फंदे हम इस कलर से डाले हैं, तो टोटल 18 फंदे मैंने डाले हैं। तो चलिए, मैं पहले सिलाई से ही आपको बताती हूँ। देखिए, पहला फंदा से हम शुरुआत करेंगे, इस तरह से हम बुन लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे, एक फंदे से हम 2 फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से, और बाकी फंदे को हम इस तरह से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये सारे फंदे बुन लेंगे। इसके बाद देखिए, इस धागे को हम इस तरह से करेंगे और इसके बाद हम बुनेंगे, क्योंकि यहाँ जॉइंट करना था तो इसी तरह से जॉइंट होगी। और ये येलो वाले हम बुनते हुए नीचे की साइड 2 फंदे छोड़ देंगे। देखिए, ये 2 फंदे मैं छोड़ दी और सिलाई को यहीं से पलट लेना है। ये सीधी साइड से हमें कुछ नहीं करना है, जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब क्या करेंगे, ये पीछे करेंगे और ये आगे करके ये हम बुन लेंगे। अब फिर से देखिए, अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा इसी में, एक फंदे से 2 फंदे बना लिए, फंदा बढ़ गया, 2 फंदे मैंने बढ़ा लिए। और फिर से हम 2 फंदे नीचे के साइड छोड़ देंगे। फिर से हम धागा को इस तरह से ले लेंगे और इसको हम नीचे से लेके बुन लेंगे, तो ये जॉइंट होता जाएगा। ये फिर से 2 फंदे छोड़ दे और सिलाई को यहीं से पलट ले। सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, फिर से हम पहला फंदा उतार लेंगे और फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो ये 3 फंदे बढ़ गए हैं। अब मैं कोई फंदे इसमें नहीं बढ़ाऊंगी, सिर्फ हमें 3 फंदे ही बढ़ाने थे, सो मैं बढ़ा ली। और नीचे के साइड 2-2 करते हुए मैंने 6 फंदे छोड़ेंगे, 4 फंदे छोड़ रखा है, 2 फंदे और छोड़ना है। दो दो चार दो 6 फंदे छूट गए। सिलाई को यहीं से पलट लेना है, सीधी साइड से जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन लेना है। देखिए, 3 फंदे मैंने बढ़ा लिए, तो 3 फंदे बढ़ाए और 6 फंदे नीचे 2-2 फंदे करके छोड़ दिए। अब क्या करना है, अब मैं 6 फंदे फिर से 2-2 फंदे छोड़ूंगी और इसमें जो 3 सिलाई मैं बनाऊँगी वो हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं, हमें इस तरह से बनाने हैं। अब मैं कोई फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, इस तरह से हमें बुन लेना है। और नीचे के साइड हमें 2-2 फंदे अभी छोड़ना है। देखिए, एक फंदे बुन लिए और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे, तो ये 6 फंदे पहले का है और 2-2 करके हम ये 2 और 2 4 ये 6 फंदे और हम छोड़ लेंगे और यहाँ से हम 6 सिलाई बुन लेंगे। 3 3 सिलाई सीधी साइड से, 3 सिलाई हम उल्टे साइड से। तो मैं बुन लेती हूँ इसी तरह से, फिर दिखाती हूँ। हमें कोई फंदा अभी नहीं बढ़ाना है।
देखिए दो दो करते हुए मैंने छः फंदे छोड़ दिए यहाँ तक। अब ये दो दो चार छः फंदे फिर से छोड़ना है और तीन फंदा बढ़ा हुआ है इसे हमें कम कर लेना है। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और यहाँ देखिए दो का एक कर दिए और एक फंदे कम कर ली। अब देखिए दो फंदे छोड़ देंगे और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। सीधी सेट से हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें बुन लेना है जितने फंदे हैं। फिर से देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और जिस तरह से मैंने बढ़ाए थे उसी तरह से हम फंदे कम करेंगे। फिर से एक फंदे कम कर लिए और एक फंदा बुन लेंगे, दूसरा छोड़ देंगे। अब रह गया एक फंदे, तो एक फंदे हैं इसे भी हम कम कर लेंगे इस तरह से और सिलाई को यहीं से पलट लेंगे। अब यहाँ से देखिए ये कली कंप्लीट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे फंदे को हम बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ ज़्यादा गैपिंग ना हो इसलिए हम यहाँ से एक फंदे उठाएंगे और ये दो का एक करेंगे और बाकी फंदे को अगर आपको ज़्यादा गैपिंग लगे तो आप उसमें भी फंदे उठा के बुन सकते हैं, अगर ना लगे तो वो सीधी सीधी आप बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब सीधी साइड से जैसे मैं बुनते आई हूँ उसी तरह से बुन लूँगी, जो जैसा कलर है उसी कलर से हमें बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये कंप्लीट हो गया सिलाई। अब फिर से हम क्या करेंगे, जिस तरह से मैं यहाँ से शुरुआत करी थी उसी तरह से फिर से हम शुरुआत करेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदे बढ़ा लिए और फिर से हम बुनते हुए जाएंगे नीचे की साइड और एक फंदे और सॉरी दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे। दो फंदे छोड़ दिए और यहीं से सिलाई को पलट लेंगे। जिस तरह से मैं यहाँ से फंदे तीन फंदे बढ़ाई हूँ उसी तरह से तीन फंदे बढ़ा लूँगी और सीधी साइड से हमें जो जैसा कलर उसी कलर से बुन लेना है। तो मैं बुन लेती हूँ, इसी तरह से हम बुन लेते हैं फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। सिर्फ हमें तीन फंदे यहाँ से बढ़ाना है फिर तीन लाइन हमें कंप्लीट कर लेना है सिंपल बुन की। तो मैं पहले तीन फंदे बढ़ा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए तीन फंदे मैंने बढ़ा लिए और दो दो करते हुए छः फंदे मैंने छोड़ दिए। अब मैं कोई फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, अब हमें इसी तरह से प्लेन बुन लेना है उल्टे उल्टे, न घटाना है न बढ़ाना है, सिर्फ हमें बुनना है और नीचे से दो दो फंदे हमें छोड़ना है। ये हम जो तीन लाइन बुनेंगे ये गोलाई बनाने के लिए, जिस तरह से ये गोल बना है उसी तरह से ये भी इसकी सेप गोल आएगी। तो बस इसीलिए हम तीन लाइन इसे बुन के कंप्लीट कर लेंगे और दो दो फंदे छोड़ देंगे। तो दो फंदे फिर से छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब क्या करना है कि एक फंदे ये येलो वाले एक फंदे हम इसमें से ले लेंगे और ये दो फंदे यहीं से छोड़ देंगे। तो मैं बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखिए तीन लाइन मैंने बुन के कंप्लीट कर ली और
ये 6 फंदे फिर से मैंने छोड़ दिया है। अब हम फंदे कम करेंगे, तो यहीं से फंदे बढ़ाए थे तो यहीं से हमें फंदे कम भी करना है। तो ये 2 का 1 कर लिया और बाकी फंदे को हम बुन लेंगे। 2 फंदे फिर से छोड़ देंगे, 2 फंदे छोड़ दिए, सिलाई को यहीं से पलट लेना है। फिर से देखिए, ये 2 का 1 किया और 1 फंदा बुन ली और 2 छोड़ दिया, तो 2 फंदे कम हो गए। अब 1 फंदे रह गए हैं, देखिए यहाँ से फिर से हम 1 फंदे कम कर लिए, तो ये 3 फंदे कम हो गए और बाकी 2 फंदे रह गए, तो इसे हम बुन लेंगे। तो ये भी कंप्लीट हो गई कली, देखिए क्या करना है। जिस तरह से मैं 2 सिलाई बुननी थी प्लेन, उसी तरह से फिर से हम बुनेंगे। ये गैपिंग के लिए हम यहाँ से 1 फंदे लेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे और बाकी फंदे को हम दोनों कलर से बुन लेंगे। और देखिए 18 फंदे डाले थे तो टोटल मेरे पास 18 फंदे ही है। 9 फंदे ग्रीन के हैं और 9 फंदे येलो कलर के हैं। तो ये कंप्लीट हो गई। अब एक सिलाई हम सीधी साइड से बुन लेते हैं फिर दिखाते हैं। देखिए ये सिलाई भी कंप्लीट हो गई। तो अब क्या करना है हमें, देखिए यहाँ से अब इस येलो कलर को हम यहाँ से ले लेंगे। तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये धागा को हम बीच से निकालेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अब हम चोटी वाले डिजाइन बनाएंगे इस तरह से। एक फंदे हम येलो कलर से तो एक फंदे हम ग्रीन से बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए सीधी साइड से देखिए कंप्लीट हो गई। तो इसी तरह से ये बनेंगे, देखिए। तो मैं बना लेती हूँ और भी कली, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ।